हेलो दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं बनाने आटे का चाउमीन। आप देख सकते हो कितना ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आटे का चाउमीन बना था, एकदम बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। एक बार जरूर से जरूर आप लोग अपने घर पर ट्राई करो। तो चलिए हम बनाते हैं आटे का चाउमीन। आप देख सकते हो एकदम टेक्सचर में भी और खाने के स्वाद में भी एकदम सेम जैसे चाउमीन होता है मार्केट का, वैसा ही लग रहा था। फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मार्केट जैसा चाउमीन बनाना। वो मैदे का होता है, ये गेहूं का आटे का है, तो सेम स्वाद सेम है फ्रेंड। आप चाहो तो मैदे का भी बना सकते हो इसी स्टाइल से, आप चाहो तो गेहूं के आटे का भी बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम घर पर ही चाउमीन बनाना। तो इसमें सबसे पहले हम जो भी वेजिटेबल्स हम पसंद करते हैं चाउमीन में खाना, वो हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कटिंग करा है, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो लहसुन और अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट, फिर शिमला मिर्च है, फिर यहाँ पे है हमारी प्याज दो है, यहाँ पे मैं कटिंग करा है लंबे शेप में कटिंग करा है। तो यहाँ पे मैंने पत्ते गोभी को यहाँ पे दो बार चॉप करके रखा है, एक मोटा थोड़ा शेप में है, एक थोड़ा बारीक है। जो बारीक है हम ऊपर से डालेंगे, जो मोटा शेप में है वो हम चाउमीन में थोड़ा सा इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आगे की प्रोसेस। और भी जो सब्जी आपको पसंद है वो भी काट के इसमें डाल सकते हो। तो फ्रेंड, यहाँ पे ले लिया है मैंने आटा, जिससे हम रोटी बनाते हैं वही वाला आटा है। तो यहाँ पे मैंने इसको करीब छोटी वाली कटोरी से ना, दो कटोरी ये आटा होगा, और यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, करीब एक चम्मच नमक है, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मिक्स करने के बाद जैसे हम रोटी का आटा तैयार करते हैं ना, वैसे हमें इसको तैयार करना, बहुत ज़्यादा नरम नहीं तैयार करना है और बहुत ज़्यादा कड़क नहीं तैयार करना है। मतलब थोड़ा सा नरम रहेगा तो आपकी जो चाउमीन है वो टूट जाएगी, तो इसीलिए बहुत कड़क भी नहीं रहना चाहिए कि जिससे हमें चाउमीन बनाने में बहुत तकलीफ़ हो। क्योंकि जब प्रेशर हम बनाते हैं चाउमीन दबाने के लिए ना, तो कड़क आटा रहता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, जिससे हाथ हमारे लाल हो जाते हैं। इसीलिए बहुत कड़क नहीं होना चाहिए, बहुत नरम भी नहीं होना चाहिए। मीडियम आटा आपको गूंथना है, तो चलिए हम मीडियम आटा गूंथ कर तैयार कर लेते हैं। और हाँ, एक बात है कि आपको पानी इकट्ठा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप अगर आटा गूंथते हो तो आटा आपका अच्छा गूंथेगा। क्योंकि हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आटा हमारा गीला भी हो सकता है, और थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो परफेक्ट आटा हो सकता है। आप देख सकते हो थोड़ा सा हमें प्रेशर लगाना पड़ रहा है क्योंकि आटा हमारा कड़क है। अब इसे थोड़ा सा हमें नरम करना है, तो हम कड़क आटा रहेगा तो हम नरम कर सकते हैं, पर नरम आटा रहेगा तो कड़क भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसमें हमें डालना पड़ेगा फिर आटा। तो इस तरीके से जो भी थोड़ा सा पानी लगा लगा कर हमें जो भी परात में हमारे लगा हुआ है वो आटा हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक ही हाथ का यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हो इसका टेक्स्चर। तो ये गूंथते करीब 5 मिनट हो गया है, इसको अब थोड़ा सा हम बारीक कर लेंगे, मतलब कि मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप देख सकते हो इसका टेक्स्चर, तो ऐसा टेक्सचर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं, बहुत ज़्यादा नरम नहीं। अब इसको हम थोड़ा सा लंबा कर लेंगे क्योंकि हमें इसको चाउमीन की मशीन में डालना है। तो फिर ये हमारी कढ़ाई है इधर एक साइड, उसको हम रख देते हैं पानी गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा लोटा है उसको हम लोटा बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो 1.5 लोटा पानी डाल दिया है और थोड़ा सा तेल डाल दिया है 2 चम्मच के करीब, जिससे कि जो भी हमारी चाउमीन एक दूसरे में चिपके ना। तो यहाँ पर देख सकते हो ऐसा एक आपको लेना है जिसे हम चाउमीन बनाएंगे, तो इसे हम ज़्यादातर कुरड़ई और सेवैयाँ चाउमीन ऐसा चीज़ें हम इस पर बना सकते हैं। तो ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगी। लेकिन दूसरे तरह की है फ्रेंड, ये बहुत पुरानी है, तो इस तरह की अब कोई यूज नहीं करता है। तो हमारे घर पे रहती है क्योंकि ये हमारी सासू माँ ने ख़रीदा है, बहुत पुरानी है, तो अभी दूसरे स्टाइल में मिल रही है नई, तो आप उस तरीके का ले सकते हो। बनाने में भी बहुत आसान है, इसमें क्या होता है थोड़ा हाथ में तकलीफ़ होती है बनाने में, पर जो नए स्टाइल का आजकल चल रहा है ना, वो बिल्कुल भी हाथ में तकलीफ़ नहीं होती बनाने में। इसको हम अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ से। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारी लाइट चली गई है, अब आपको थोड़ा सा कम उजाला देखने को मिलेगा, थोड़ी सी वीडियो में उजाला नहीं रहेगा, लेकिन मैंने काम स्टार्ट कर दिया तो बंद नहीं करा है, लाइट आने का इंतज़ार नहीं किया है और मैं अपने काम पे लगी रही। तो यहाँ पे मैंने जो आटा लिया है इसको हम छोटे छोटे भागों में कट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ थाली पे, जिससे कि हमारे आटे पे चिकनाहट आ जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ से इसको मैं कटिंग कर लूँगी, 3 भाग में ये 3 बार बनेगा, पर यहाँ पर मैं 2 ही बार बनाई हूँ, बाकी का आटा रख दिया मैंने रोटी बनाने के लिए, क्योंकि 2 ही लोगों को खाना था, इसलिए 2 ही लोगों के लिए मैंने चाउमीन बनाया यहाँ पे। तो इसको मैंने डाल दिया है मशीन में और अच्छे से इसको दबा देंगे, जिससे इसकी जितनी भी एयर साइड में है वो निकल जाए। और इसको इस तरीके से रखकर बस इसको हमें प्रेशर करना है पानी में, और हमारी चाउमीन बनकर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा पानी अच्छे से उबलना चाहिए, तब जाके हमारी चाउमीन अच्छे से होगी, वरना पानी अगर कम उबलेगा तो फिर चाउमीन हमारी टूट जाएगी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं दबा रही हूँ चाउमीन को, तो इसीलिए मेरे से बहुत ज़्यादा कड़क है फ्रेंड, दब नहीं रहा था और बस एक इतना ही दबा पाई मैं। उसके बाद यहाँ पे इसको जब हमें तोड़ना रहता है ना, थोड़ा सा इसको पानी में डालकर छोड़ देते हैं तो वहाँ से टूट जाता है। तो अगर आपका आटा कड़क होगा तो ये जल्दी नहीं टूटेगा, आपका आटा नरम होगा तो तुरंत ये टूट जाएगा वहाँ से। आप देख सकते हो मैं हिला रही हूँ पर ये निकल नहीं रहा, तो इसको थोड़ा समय ऐसे कर दूँगी तो जिसे निकल जाएगा। मैं सोच रही हूँ जल्दी से निकल जाए पर ये निकल नहीं रहा फ्रेंड, देख सकते हो यहाँ थोड़ा सा मुझे प्रेशर करना पड़ा तब निकल गया है। अब मेरे यहाँ पे हस्बैंड आए हैं, अब वो दबा रहे हैं, देख सकते हो कितने जल्दी से हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर लग रहा है बहुत ज़्यादा, हाथ एकदम लाल हो जा रहे हैं। तो ये चाउमीन बस आप लोग अगर थोड़ा सा गीला आटा करते हो, थोड़ा सा नरम आटा करते हो ना, तो आपके चाउमीन टूटने का डर रहेगा फ्रेंड, मैं सही बता रही हूँ। इस तरीके से मेरे हस्बैंड ने इसको यहाँ तक दबा दिया, हेल्प कर दी मेरी। उसके बाद आप देख सकते हो ये कितनी अच्छी चाउमीन हमारी रेडी हो जाएगी अभी। तो इसको ज़्यादा उबालना नहीं है, बस इसको करीब से करीब आपको 2 मिनट अच्छे उबाल आने देना है, मतलब 2 मिनट तक अच्छे उबाल आने देना है, बस हमारी चाउमीन आप रेडी हो जाएगी। तो अब मैं तुरंत डालने के बाद चेक कर रही हूँ, तो ये थोड़ा सा कड़क हो जाएगा जब ये हो जाएगा ना, तो अभी आटा जैसा दिख रहा है आपको ये, तो जब ये हो जाएगा तो ये कड़क हो जाएगा थोड़ा सा। तो बस आपको तुरंत ओवर कुक नहीं करना है फ्रेंड, तुरंत आपको इसको उतार देना है और इस पर पानी डाल देना है। आप प्रोसेस पूरा देखिए। और हाँ, आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, पूरा देखने के बाद वीडियो कमेंट करिएगा, क्योंकि बीच में आधा अधूरा देखने से चीज़ें पूरा पता नहीं चलती। इसलिए अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है टूटने में, इसलिए हमारी अभी हो गई है और अच्छे से उबाल भी आ गया है। आप देख सकते हो बहुत अच्छे से उबाल आ रही है, इस जो साइड में है ना उसको बीच में करके इसको भी उबाल दे देंगे हम थोड़ा सा, जिससे कि हर तरफ अच्छे से पक जाए। बस यहीं पर हम इसको उतार देंगे। उतारने के बाद फ्रेंड क्या करेंगे, हम इस तरीके से जारा लेंगे जो हमारा ज़्यादातर पकौड़ी छनने वाला होता है, उससे बहुत अच्छे से परफेक्ट निकल जाती है, और एक छन्नी में रखेंगे जो पानी वाली छन्नी होती है ज़्यादातर हमारे घरों में होती है ना, जिसमें हम पकौड़ी या फरा बनाते हैं ना, उसमें हम इसको रख देंगे, जिससे क्या होगा इसमें हमें ठंडा पानी डालना रहेगा, ठंडा पानी नीचे निकल जाए इसलिए। तो अब मैंने बड़ी वाली परात रखा है, उसके ऊपर हमने ये चाउमीन की छन्नी रखी है और इसमें ठंडा पानी डाल देंगे इसलिए, क्योंकि इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो रुक जाए, नहीं तो वरना ये बहुत ज़्यादा टूट जाएगा, बहुत ज़्यादा कुकिंग हो जाती है तो टूटने भी लगता है, तो इसलिए इसको नरम नहीं करना है बहुत ज़्यादा कुक करके। तो फ्रेंड उसी पानी में हम दूसरा बैच भी डाल रहे हैं, तो आप देख सकते हो मेरे हस्बैंड यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये तैयार हो जा रही है दूसरा बैच भी। तो यहाँ पर तेल थोड़ा सा दिख रहा है, अगर तेल नहीं दिखेगा तो आप यहाँ पर तेल डाल देना, तो बस इसको हम अच्छे से नीचे तक दबा देंगे तो हमारा हो जाएगा रेडी। यहाँ पे मैंने दूसरा बैच के लिए दूसरा फिर इसमें डाला है, मतलब कि मशीन में दूसरा आटा मैंने डाला है, यानी कि उसी आटे से काम चालू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हो गया है नीचे तक प्रेस। अब इसको निकालने के लिए मैं बोल रही हूँ पर वो सुन नहीं रहे हैं, देखो मेरे हाथ में आएगा ये, तो मैं इसको निकालूंगी, नहीं तो वही निकाल देंगे। अब देखो वही निकाल रहे हैं यहाँ से साइड से तुरंत के तुरंत, मैंने क्या बोला कि नीचे पानी में डालो वो निकल जाएगा तुरंत के तुरंत, लेकिन उन्होंने डाला नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं अभी के अभी निकालूंगी उसको ना तो चिपक जाएगा सभी एक में एक, तो यहाँ पे मैं इसको गर्म पानी से थोड़ा डाल रही हूँ जिससे चिपके ना और निकल जाए। तो यहाँ पे आप भी ऐसे कर सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा ही हो गया, अब इसको हम निकालेंगे तुरंत फिसल के नीचे चला गया, अभी अच्छे से सबके सब सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, चिपकेंगे नहीं मतलब। तो आप देख सकते हो बहुत लंबा ही निकलेगा, तो थोड़ा आप लोग ना तुरंत के तुरंत इसमें डालना मत, कोई भी चम्मच या कुछ भी मत लगाना तुरंत के तुरंत। यहाँ मैंने 1 मिनट इसको समय दिया उसके बाद डाला है, क्योंकि मैंने आपके यहाँ पे सीन कट कर दिया है, क्यों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, वैसे वीडियो बहुत लंबा हुआ है, तो इसको भी हम अच्छे से उबाल आने देंगे 1 से 2 मिनट, बहुत ज़्यादा उबाल नहीं आने देना फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी दिख रही है, तो बस इसको हम अच्छे से निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बार बार कि हाँ हो गई है, बहुत अच्छी हुई है, तो बस इसको हमें निकाल लेंगे अभी, और सेम पहले जैसा प्रोसेस है वैसी तरीके से हम इसकी प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसको मैंने दूसरे थाली में रख दिया है ठंडा होने के लिए, और यहाँ पे मैंने दूसरा बैच भी निकाल लिया है, तो ये भी बहुत परफेक्ट बना है, आप ज़रूर अपने घर पे ट्राई करिए। आप बाहर की चाउमीन खाना भूल जाओगे एक बार अगर आपने इस तरीके से बना लिया तो। बस यहाँ पे मैं देख रही हूँ अच्छे से हुई है कि नहीं है, तो अच्छे से हो गई है। अब इसमें मैंने ठंडा पानी डालना है, तो यहाँ पे एक हाथ मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, तो एक ही हाथ से मैं यहाँ पे ठंडा पानी डाल रही हूँ। तो फ्रेंड मैंने उसी कढ़ाई को यहाँ पे धुल कर रख दिया है गर्म होने के लिए, तो ये हमारी कढ़ाई गर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने तेल ऊपर से इसलिए डाला है कि हमारी कढ़ाई के चारों तरफ तेल लगना चाहिए, जिससे कि हमारी
चाउमीन चिपके नहीं। अगर आपकी कढ़ाई के चारों तरफ तेल नहीं लग रहा है तो आप उसको लगाओ, जिससे कि चाउमीन चिपके नहीं, वरना चिपक जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने डाला है प्याज, और यहाँ पर जब हम सारी चीज़ें डालेंगे ना तो आँच को हमें मीडियम से लो रखना है। तो प्याज डालने के बाद तुरंत हम यहाँ पर शिमला मिर्च डालेंगे, फिर तुरंत हम यहाँ पर डालें पत्ता गोभी, और उसके बाद यहाँ पे लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट डालना है। ये पेस्ट आपको पहले नहीं डालना है, इतना ध्यान रखना, क्योंकि आप सब्जी नहीं बना रहे हो फ्रेंड, यहाँ पे आप बना रहे हो चाउमीन। तो ये पेस्ट अगर लास्ट में डालोगे तो सब में बहुत अच्छे से बराबर लग जाएगा, और हम पहले डालते हैं तो हमारा लहसुन पक जाता है। यहाँ पे हमें अधपकी चीज़ें चाहिए जो हमारे चाउमीन को अच्छा फ्लेवर देती है, तो यहाँ पे हम इसको मीडियम आंच पे ही पकाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस प्लेट में मैंने सभी के सभी चाउमीन रख दिए हैं, तो देख सकते हो कितनी प्यारे लग रहे हैं। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल सकते हो, पर मैंने नहीं डाला है, बस नमक डाल के बनाया है। तो इस तरीके से हम इसको मीडियम से हाई आंच पे हम यहाँ पे भून सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लाल चटनी बनाई हूँ, तो ये लाल चटनी जो हमारे लाल मिर्च आती है ना, उसको मैं तुरंत के तुरंत गर्म पानी में भिगोकर पीस लिया है, इतना टेस्ट दे रही थी। एक बार ज़रूर आप बनाना इस तरीके से लाल चटनी, बहुत अच्छी लगेगी। इसमें थोड़ा सा लहसुन डाल देना, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद ये जो हमारी जो प्याज थी उसको मैंने दो भागों में, मतलब दो बार डाला है, क्योंकि एक बार मैंने तेल में डाला है जो अच्छे से फ्राई हो गई है, दूसरी बार मैंने थोड़ा सा बाद में डाला है जिससे ये अधपकी रहे और खाने का स्वाद ही अलग हो जाता है इसके बाद। उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें जो चाउमीन हमारी है ना, उसको हमें दो बार में डालना है, क्योंकि मैं दो बार में बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और यहाँ पे अब जाके हम इसमें चाउमीन डालूंगे, क्योंकि ये हमारी अधपकी हो चुकी है। करीब इसको भूनते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। ये जब थोड़ा सा हो जाए तो इसमें हम डालेंगे चाउमीन। अगर आप पूरा का पूरा डालना चाहते हो तो आपको और वेजिटेबल्स भूनना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बस आधा डाल रही हूँ, इसलिए मैं भून रही हूँ बस थोड़ा सा ही वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा मैं इसको अलग कर दे रही हूँ, जिससे कि हमें चलाने में आसानी हो। तो कभी कहीं कहीं पर ना मुड़ाव ज़्यादा हो गया है चाउमीन में, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अलग कर रही हूँ। तो यहाँ पे डाल दिया है मैंने, अलग रख दिया है बाकी का, और जितना डालना था उतना ही लिया। तो फ्रेंड यहाँ पे हम डालेंगे चाउमीन की जान, जिसके बिना चाउमीन अधूरा है, तो है सोया सॉस हमारा। सोया सॉस जो है ना, उसके डाले बिना हमारी चाउमीन अधूरी है। बाकी सारी चीज़ें कितना भी डाल लो, हमें टेस्ट चाउमीन का नहीं आएगा। और हाँ, ये किसी भी दुकान पर आसानी से अवेलेबल है, जहाँ से आप टमाटो सॉस वगैरह खरीदते हो वहाँ से ही सोया सॉस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है सोया सॉस, और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे कितना भी सारी चीज़ें डालो, पर सोया सॉस आप बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना चाउमीन का फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं जो लाल मिर्च है वो। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो ये लाल मिर्च का पेस्ट बिल्कुल भी स्किप कर देना, डालना मत फ्रेंड। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हो तो इसको डाल सकते हो। तो मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है, सारे बड़े खाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे डाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो चॉप करी हूँ बारीक वाली में पत्ता गोभी, उसको भी यहाँ पे डाल रही हूँ। मैं थोड़ा सा बचा के रखूँगी गार्निशिंग के लिए। तो बस इसको, हमारे घर में तो डंडी है ही नहीं चाउमीन वाली, तो यहाँ पे मैंने बेलन ले लिया है एक तरफ से, एक तरफ से जो हमारा बड़ा वाला चम्मच है चावल चलाने का, उसकी डंडी से मैं यहाँ पे इसको मिक्स कर रही हूँ। फ्रेंड हम प्रोफेशनल तो है नहीं कि हमें अच्छे से चलाने आएगा, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ। लेकिन बहुत ही अच्छी इसका टेस्ट आया था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। आप लोग ज़रूर बनाइए। आप चाहो तो इसमें चीज़ें और भी डाल सकते हो, बल्कि मैंने वेजिटेबल्स थोड़ा कम डाला है। आप चाहो तो इसमें चुकंदर गाजर भी ऐड कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन फिर भी फ्रेंड इसका टेस्ट ठेले वाले चाउमीन से लाख गुना अच्छा था। आप ज़रूर एक बार घर पर बनाओ हेल्दी और टेस्टी चाउमीन। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से चला लेंगे, और यहाँ पे आपकी आँच का ध्यान जरूर रखना फ्रेंड, वरना सारा किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा। मतलब कि यहाँ पे आप जब इसको मिक्स करना, चाउमीन डालना ना, तो आपके आँच हमेशा कम होनी चाहिए, क्योंकि हमें बस चीज़ें हल्की सी पकानी है, और हमें यहाँ पे चाउमीन हमारी पहले से पकी हुई है। वरना अगर आप तेज़ आँच यहाँ पे करते हो तो आपकी चाउमीन टूट जाएगी सभी की सभी। तो यहाँ पे हमारी चाउमीन हो गई है रेडी। अब इसको हम आप लोगों को सर्व करके दिखाते हैं। तो देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, और बिल्कुल भी ज़्यादा टूटी नहीं है फ्रेंड। अभी चलाने से थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो चम्मच है वो हमारा थोड़ा सा हार्ड वाला है, और जो वो सब इस्तेमाल करते हैं वो उसका चम्मच जो होता है बहुत ज़्यादा लंबा होता है, नोकी मतलब कि अच्छे से उससे हम चला सकते हैं। तो ये चम्मच का भी प्रभाव पड़ता है हमारी चीज़ों को टूटने में। तो आप देख सकते हो
बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, एक बार अपने घर पर जरूर। इसके ऊपर से हम सॉस डालेंगे, यहाँ पे मैंने डाला नहीं है गार्निशिंग, बस पत्ते को भी करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। लेकिन खाते वक्त हमने टमाटो सॉस डालकर ही खाया था, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आया था। आप एक बार घर पर ट्राई ज़रूर करिए, अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि आपको मेरी मेहनत कैसी लगी, और आपको किस चीज़ की वीडियो देखनी है, किसकी रेसिपी देखनी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।